दुर्ग नगर निगम के वार्ड 59 हरिनगर में स्थित रजत होम्स में काफी लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा था, जिसकी शिकायत अपार्टमेंट के निवासियों ने कलेक्टर एवं निगम अधिकारियों से भी की थी। दुर्ग निगम के भवन अधिकारी प्रकाश थवानी ने शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए रविवार को एक बैठक आयोजित की, जिसमें अपार्टमेंट के बिल्डर सहित सभी रहवासी उपस्थित हुए। अपार्टमेंट के निवासियों द्वारा की गई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए भवन अधिकारी ने एक समय सीमा के भीतर सभी समस्याओं को निराकरण करने का निर्देश बिल्डर को दिया। बैठक में मौजूद वार्ड पार्षद शिवेंद्र ने बैठक की जानकारी मीडिया को कुछ इस प्रकार से दी। रजत होम्स लगभग 10-12 साल पुरानी सोसाइटी है, यहाँ निर्माण किया गया, लोग यहाँ आकर मकान लिए, रहना प्रारंभ किए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वंचित थे। अभी पिछले कुछ दिनों से पानी के संकट से जूझ रहे थे, जिसको नगर निगम के माध्यम से उनको पानी उपलब्ध कराया गया, और ये लगातार पिछले कई वर्षों से अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन निगम प्रशासन के पास शिकायत कर रहे थे, उनसे मांग कर रहे थे। कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार निगम आयुक्त ने आज निगम के भवन अधिकारी को यहाँ भेजा और सब लोगों ने जो यहाँ के मालिक हैं, फ्लैट के मालिक हैं, बिल्डर, सहकारी समिति के अधिकारी, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ उपस्थित हुए और एक बहुत अच्छे वातावरण में इस बात की सहमति बनी कि बिल्डर के द्वारा जो जो सुविधाएं यहां मुहैया कराई जानी चाहिए थी और उसके द्वारा नहीं की गई हैं। निगम प्रशासन ने इस बात का आश्वासन दिया है कि बिल्डर से उन सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया जाएगा। बिल्डर ने भी मौखिक और लिखित रूप से अपनी सहमति प्रदान की है कि जो मूलभूत सुविधाएँ रह गई थी या जो जिससे लोग वंचित थे उसको पूरा करेंगे। यदि उन सुविधाओं को बिल्डर यहाँ उपलब्ध करा देता है तो यहाँ के निवासियों का जीवन अच्छा हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, खुशी से अपना जीवन यापन कर पाएंगे, और यदि ऐसा नहीं करता है तो निगम प्रशासन और हम सब उस समस्याओं के निदान के लिए जो उचित कदम होगा वो उठाएंगे। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ के निवासियों के साथ खड़ा हूँ, उन्हें जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी, जिस कदम के लिए भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं सदैव उसके लिए तत्पर रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वातावरण में जो बैठक हुई है वो निर्णय तक पहुँचेगी और अच्छा परिणाम। रजत होम्स के कॉलोनी वासियों ने मूलभूत समस्याओं के अभाव एवं वेलफेयर सोसाइटी गठन के लिए कलेक्टर महोदय को पत्र दिया था, जिनके निर्देश पे और आयुक्त महोदय के आदेश पे आज रजत होम्स के फ्लैट मालिकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें वार्ड पार्षद, कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारी के साथ साथ बिल्डर और फ्लैट मालिक थे। कुछ मुद्दों पे आपसी सहमति बनी है, जिसके लिए लगभग 2 माह का समय निर्धारित किया गया है। यदि उक्त मुद्दों का निराकरण आगामी 2 माह में नहीं होता है तो कॉलोनाइजर नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। कितने निवासरत हैं सर यहाँ पे? टोटल 112 फ्लैट बने हैं, जिसमें 68 बिक चुके हैं, जिसमें लगभग 50 फ्लैटों में लोग रहते हैं। किस प्रकार की मूलभूत समस्या? इनको मूलतः पानी की और सेफ्टी की ज़्यादा समस्या है, और यहाँ के जो लिफ्ट हैं उनके संचालन संधारण प्रॉपरली नहीं किया गया है, तो बिल्डर को इस सब में आगामी 2-3 दिन के अंदर नोटिस जारी किया जाएगा।